साथ ही इस वीडियो के अंदर अब हम जो आधुनिक भारत जब से अंग्रेज आए तब से लेकर के हमारे देश का आर्थिक स्थिति क्या था, अंग्रेजों ने भी आर्थिक नीतियों के ऊपर किस तरीके की नीति बनाई हुई थी, इस संबंध में हम इस वीडियो के अंदर साथी चर्चा करेंगे। साथियों, अंग्रेज जब हमारे देश में आए उसके पूर्व में जो हमारी आर्थिक स्थिति थी वो काफ़ी ठीक थी। देश के अंदर प्राकृतिक संसाधन बहुत बड़ी संख्या में थे, मगर हमारे देश में व्यापार हम जो बाहर करने जाते थे उसकी संख्या में बाहर से व्यापार करने वाले हमारे देश में ज़्यादा लोग आते थे, क्योंकि ये जो था अरब देश, अफ्रीका देश, यहाँ से रास्ता सीधा यूरोप तक जाता था, तो यूरोप वाले देश भी बहुत पहले से हमारे देश में व्यापार करने आते थे। हमारा देश आत्मनिर्भर था, हमारे देश में इतने संसाधन थे कि हम जितना उत्पादन करते थे, जितनी जनता थी उसके आधार पर उत्पादन करके आराम से जीने का जो संसाधन है वो पैदा कर लेते थे। तो ये सिचुएशन थी अंग्रेजों से आने के पूर्व। अब अंग्रेजों से आने के बाद पहला जो राज्य जो शुरू हुआ था अंग्रेजों का वो 1757 से हुआ था। तो 1757 से हम 1813 तक का एक चरण मान लेते हैं। इस समय में कंपनी का ही व्यवस्था था। 1757 से 1813 तक कंपनी ही व्यापार करती थी। इस समय में बड़ी संख्या में हमारे देश को लूटा उन्होंने, बंगाल से बड़ी संख्या में टैक्स इकट्ठा किया, वहाँ से पैसा इकट्ठा किया और बड़ी संख्या में पैसे को ब्रिटिश सरकार को भेजा कंपनी ने। बड़ी लूट हुई है इस काल में हमारे देश की। ये बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य जिसको हमको याद रखने की जरूरत है। साथियों, अब दूसरा जो चरण है वो 1813 से लेकर के 1858 तक। तो साथियों, इसमें जो 1813 का जो चार्टर लेके आए थे ब्रिटिश संसद में, उस चार्टर के माध्यम से भारत देश के अंदर इंग्लैंड के जो पूंजीपति हैं उनको व्यापार करने की छूट दे दी गई थी। तो 1813 से हमारे देश के अंदर कंपनी भी व्यापार कर रही थी, कंपनी का अधिकार खत्म कर दिया था, मगर कंपनी को चीन का जो व्यापार है वो करने की उसको छूट थी। भारत देश का जो एकाधिकार था कंपनी का उसको ख़त्म किया था। अब साथियों, ये भी समझना है कि ये जो दौर था औद्योगिक विकास इंग्लैंड में बहुत तेज़ी से हुआ था, जिसकी वजह से जो औद्योगिक विकास हुआ उससे वहाँ के जो पूंजीपति हैं उनको दो चीज़ें चाहिए थी। एक तो उनका जो अधिउत्पादन सामान उन्होंने पैदा किया था उसके लिए बाजार चाहिए था, तो हमारा देश सबसे बड़ा बाजार था उनके लिए। तो उन्होंने वहाँ जो सामान बनाएंगे उस सामान को हमारे देश में आके बेचेंगे, इसके लिए इस्तेमाल किया। और दूसरा, हमारे देश से कच्चा माल, उनको कच्चा माल चाहिए था अपनी कंपनी के उत्पादन के लिए, रॉ मटेरियल। तो रॉ मटेरियल का बड़ा स्रोत हमारा देश था, भारत देश था। भारत देश के अंदर बहुत बड़ी संख्या में खनिज पदार्थ, रॉ मटेरियल्स थे। विदेशी सामान हमारे देश में पटका, वो हमारे देश का जो रॉ मटेरियल था उस रॉ मटेरियल को वो वापस इंग्लैंड ले गए। तो ये 1813 के चार्टर से ये खोल करके ये काम करना इन्होंने, अंग्रेजों ने यहाँ से शुरू किया साथियों। और साथ में ये भी समझना साथियों कि इस समय ये कोई टेक्नोलॉजी नहीं दे रहे थे, ये हमारे देश में जो वहाँ सामान पैदा कर रहे थे उसको बेच रहे थे यहाँ, वो हमारे देश से रॉ मटेरियल ले जा रहे थे। वो हमारे देश का जो रॉ मटेरियल था उस पर एक अधिकार किया अंग्रेजों ने कि सबसे पहले भारतीय को नहीं देना, सबसे पहले ये ब्रिटेन जो पूंजीपति है उनको देना है। तो जो रॉ मटेरियल है उसकी भी शॉर्टेज हुई, तो भारत देश का जो उद्योग धंधा था वो पूरी तरीके से पिट गया इस सरकार की इस नीति के कारण से। उसके बाद से साथियों, 1833 का जो चार्टर था उसके अंदर हमारे देश के अंदर मुक्त व्यापार करने की छूट ब्रिटेन के जो पूंजीपति थे उनको दे दी गई। तो साथियों, इससे क्या हुआ कि जो अंग्रेज थे, ब्रिटेन के जो पूंजीपति थे, वो बहुत ही ताकतवर हो गए, उनको कोई कर नहीं है मुक्त व्यापार। और उसके अलावा भारत देश के जो लोग थे, व्यापारी थे, उनके ऊपर अंग्रेज टैक्स लगाते थे। तो इस नीति से इन्होंने भारत देश की जो अर्थव्यवस्था है उसको बिठा दिया और अंग्रेजों का जो सामान था, बाजार के ऊपर कब्जा था, जो रॉ मटेरियल है, उनको बहुत बड़ी देश को लूटने की छूट मिली। चाय का और चीन का व्यापार का जो एक अधिकार था कंपनी को, वो भी इस चार्टर में खत्म कर दिया। अब इस 1833 के चार्टर में चीन और चाय का जो व्यापार कंपनी को दिया गया था उससे भी उसका खत्म कर दिया अधिकार। वो इस क्षेत्र में भी ब्रिटेन के पूंजीपतियों को व्यापार करने की छूट दे दी गई। ये दूसरा चरण था जिसमें हमारे देश को
अंग्रेजों ने, ब्रिटेन की पूंजीपतियों ने बहुत ही बेतहाशा तरीके से देश के संसाधनों को लूटा साथियों इस समय में। तीसरा जो चरण था वो 1858 से लेकर के 1947 तक। अब 1858 में आपको पता है कि ब्रिटिश की रानी का राज घोषित हो गया था। 1857 की क्रांति के बाद 1858 से हमारे देश के अंदर ब्रिटिश क्राउन का शासन चालू हो गया था। अब तीसरे चरण में साथियों क्या हुआ कि उन्होंने अपने माइंड सेटअप को चेंज किया और भारत देश के लोगों को समझाया कि हम अब भारत देश की प्रगति के लिए आ रहे हैं, भारत के विकास के लिए आ रहे हैं, भारत के डेवलपमेंट के लिए निवेश कर रहे हैं। जिस तरीके से 1990 में नई आर्थिक नीतियां आई अमेरिका के नेतृत्व में, तो वो जो एक प्रोपेगेंडा, एक एजेंडा जो देश को समझाते हैं कि हम देश के विकास के लिए आ रहे हैं, देश के डेवलपमेंट के लिए आ रहे हैं, पैसा लेकर के आ रहे हैं, इसी तरीके का सेफ प्रोपेगेंडा इस तीसरे चरण में ब्रिटेन के पूंजीपतियों ने, ब्रिटेन की सरकार ने हमारे देश की जनता को समझाया कि हम आपके देश के विकास के लिए, आपके देश के में मूलभूत सुविधा पैदा करने के लिए, आपके देश का डेवलपमेंट करने के लिए हम विकास मॉडल आपके देश में लेके आ रहे हैं, तो आपके देश के भले के लिए हम ये सारा कर रहे हैं, ये समझाने की कोशिश ब्रिटेन की सरकार ने की और ब्रिटेन के पूंजीपतियों ने की। विकास का मॉडल लेके आए वो 1858 के बाद, ताकि हमारी देश की जनता उनकी कंपनियों का, उनके व्यापार का विरोध ना करे, इस बात को भी हमको ध्यान रखने की जरूरत है। इसके बाद उन्होंने पहला निवेश किया रेल में। रेल में निवेश का मकसद था उनके व्यापारियों को आवागमन के लिए रास्ता तैयार करना, और रेल के प्रोजेक्ट में ही सारी देश को इस समझाने की कोशिश की कि हम विकास कर रहे हैं। तो ये पहला इनका मॉडल था जिसको रेल में इन्होंने निवेश किया, इन्वेस्टमेंट किया। और साथ में ये भी कहा गया था कि जो रेल के अंदर निवेश करेगा पूंजीपति, पैसा अगर वो घाटे में भी जाता है तो भी उसको 5% मुनाफा दिया जाएगा। तो इस सरकार ने गारंटी दी कि भारत का जो खजाना है उसी खजाने से ये ब्रिटेन के पूंजीपतियों को ये पैसा दिया जाएगा, मुनाफे की गारंटी। आज भी हमारी देश की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार ने, इन्होंने भी बहुत सारे क्षेत्रों में विदेशी पूंजीपतियों को मुनाफे की गारंटी दी थी। तो ये नीति जो पहले की थी वो आज भी हमारे देश की सरकार, जो विदेशी पूंजीपति आ रहे हैं 1990 के बाद की आर्थिक नीतियों में वापस ये नीति भी शामिल है कि विदेशी पूंजीपति बहुत सारे क्षेत्रों में जहाँ इन्वेस्टमेंट करते हैं वहाँ पे यहाँ की सरकार से वो गारंटी कराते हैं कि भले ही आपकी इसमें हमें घाटा होता है तो भी आप अपने खजाने से हमारी कंपनी को इतना मुनाफा दोगे, जो उस समय अंग्रेजों ने रेलवे के पूंजीपतियों को 5% मुनाफा देने का कमिटमेंट किया था। इन नीतियों को समझते जाना। और साथियों 1924 से रेल का बजट अलग से प्रस्तुत करना शुरू किया था, ये अंग्रेजों ने ही शुरू कर दिया था, जो परंपरा हमारे देश में अभी तक रही। इसके अलावा साथियों नील का निवेश, नील की जो खेती है वो जबरन करवाई गई हमारे देश के अंदर, जिससे किसान की खेती भी बर्बाद हुई। चाय बागानों पर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया क्योंकि उस समय चाय की बड़ी मांग थी, वो चाय की पत्ती हमारे देश से ले जाते थे और वहाँ उद्योगों में इसको चाय बना करके दुनिया के देशों में ब्रिटेन के पूंजीपति बेचते थे। तो इस तरीके से साथियों ये तीसरा चरण रहा। हमको पूरी अर्थव्यवस्था को इन तीन चरणों में साथी समझना है। अब साथी आगे हम भू राज व्यवस्था के बारे में बात करते हैं। भूमि पर जो टैक्स था, कर था, उसकी कैसी व्यवस्था थी। भू राज व्यवस्था के भी साथियों तीन चरण थे। पहला जो चरण था वो 1786 से 1793 के बीच में था, जिसमें कार्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त का जो भू व्यवस्था है उसको लागू किया। और ये भू व्यवस्था बिहार, बंगाल और उड़ीसा, जो तीन क्षेत्र अंग्रेजों के कब्जे में सबसे पहले आए थे, वहां पर ये व्यवस्था को लागू किया गया। इसको इस्तमरारी और जमींदारी व्यवस्था भी कहते थे। तो लगान जो साथियों जो थी वो 11% थी, ऐसे समझ लेते। 100 में से 100 रुपए में जैसे 11वां हिस्सा जो है लगान के रूप में लेते थे। वो 11वां हिस्सा का अर्थ ये था कि 10% है वो सरकार लेती थी, उसमें से 1% जमींदार लेता था। 11% में से 10% अंग्रेज लेते थे और 1% जमींदार लेता था। और ये जो हमारा देश का पूरा भूभाग है, उस भूभाग के 19% हिस्से पे ये व्यवस्था लागू थी।
और इस समय साथियों एक कानून था जिसको सूर्यास्त कानून कहते हैं, ये जमींदारों के लिए था। जिस जमींदार ने पूरी जो लगान है उसको वसूल करके अंग्रेजों के पास जमा नहीं किया तो उस जमींदार की जमींदारी खत्म हो जाती थी, समाप्त कर दी जाती थी। इसलिए जमींदार बहुत अत्याचार करते थे किसानों पर। दूसरा जो चरण साथियों था उसको कर्नल रीड और मुनरो दो लोगों के समय में लागू किया। इसको 1792 में मद्रास क्षेत्र में लागू किया और 1820 में असम और मुंबई का जो क्षेत्र था इसमें लागू किया गया व्यवस्था। और इस व्यवस्था को कहा जाता था कि रैयतवारी व्यवस्था। ये रैयतवारी की व्यवस्था का अर्थ था साथियों कि ये टैक्स सीधा किसान से वसूलते थे। पहली वाली व्यवस्था में टैक्स जमींदार वसूलता था, दूसरी वाली व्यवस्था में अंग्रेज खुद सीधी किसानों से वसूली करते थे। और इसका जो टैक्स था वो 1/2 था, जो भी किसान फसल उगाएगा जो भी उगाएगा उसका आधा हिस्सा अंग्रेजों को देना है। और ये जो व्यवस्था थी जो भूभाग है हमारे देश का उसके 51% हिस्से पर लागू थी। ये सबसे ज़्यादा हिस्से पर ये वाली रैयतवारी वाली जो व्यवस्था लागू थी जिसमें आधा 1/2 भाग लगान के रूप में अंग्रेज किसानों से वसूलते थे। तीसरी थी जो उसका नाम था महालवाड़ी, महालवाड़ी बंदोबस्त। इसका मतलब ये था कि ये गांव से गांव के गांव जो थे गांव से अपनी लगान लेते थे, वो किसानों से नहीं लेते थे जमींदारों से नहीं लेते थे। दो व्यवस्था में हमने बता चुके हैं, पहले में जमींदार दूसरे में डायरेक्ट किसान, अब तीसरे में गांव से कि पूरे गांव का इकट्ठा एक लगान जो है लगाएंगे और एक लगान उससे वसूल के ले जाएंगे। तो गांव के जो किसान हैं उनको आपस में इकट्ठी करके वो लगान का जो पैसा बनता है धन बनता है वो अंग्रेजों को देना है। ये जो व्यवस्था है पंजाब में, मध्य प्रांत में और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ये व्यवस्था लागू की गई थी। ये हमारे देश का बचा हुआ जो 30% हिस्सा है उसके ऊपर ये वाली व्यवस्था लागू की गई थी। और शुरुआत में ये व्यवस्था का जो लगान का जो दर था वो 2/3 था और थोड़े समय बाद फिर इसमें भी 1/2 कर दिया। अनाज उगाओगे आप जितना पैदा होगा उसका आधा हिस्सा अंग्रेजों को देना है। तो इस तरीके से किसानों का जबरदस्त दमन था, जबरदस्त लूट थी जिसके कारण किसान बहुत ही ज़्यादा परेशान थे। तो ये तीन तरीके की जो भूराज व्यवस्था थी जो अंग्रेजों ने हमारे देश में लागू की हुई थी, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है जिसको हमको ध्यान रखने की जरूरत है। ये धन निष्कासन की थ्योरी जो है बहुत सारे इतिहासकारों ने बुद्धिजीवियों ने बताई कि अंग्रेजों ने हमारे देश से बड़ी संख्या में धन का निष्कासन किया, धन को लूटा, यहाँ से धन लूट के वो ब्रिटेन ले गए। ब्रिटेन में फिर उद्योग बनाए, कारखाने बनाए, बहुत सारा उन्होंने अपना औद्योगिकरण का डेवलपमेंट किया। उसका जो पैसा था, उसका जो संसाधन था, उसका जो कच्चा माल था, उसका बड़ा लूट हमारे देश से हुआ साथियों, ये हमको समझने की ज़रूरत है। अब साथियों हम समझते हैं कि हमारे देश के अंदर उन्होंने उद्योगों का पतन कैसे किया, बी उद्योगीकरण इसको कहा जाता है। इस नीति को साथी हम समझते हैं। यहाँ पे अंग्रेजों ने ये नीति बनाई हुई थी कि यहाँ पे जो भी उद्योग धंधे बंद होते थे उसके उद्योग धंधे के बदले में दूसरा कोई उद्योग धंधा यहाँ नहीं लगाना, और ऐसा सेटअप करते थे कि ब्रिटेन में जिसका उत्पादन ज़्यादा होने लगता था वो भारत देश में उसको कमज़ोर करते थे और कमज़ोर करके उसको बंद करा देते थे और उसका जो सामान का ज़रूरत है वो ब्रिटेन से हमारे देश में बेचते थे। ये उद्योग की नीति थी अंग्रेजों की उस समय, वो यही नीति आज हमारे देश के अंदर है। मैं बार बार इस बात को कह रहा हूँ कि जो अंग्रेजों की जो पॉलिसी थी उस समय हमारे देश में जब कब्जा किया था गुलाम थे हम, सेम पॉलिसी 1990 में दोबारा आई जो आज हमारे देश के अंदर उदारीकरण, भूमंडलीकरण और निजीकरण के नाम पर हमारे देश में देशी विदेशी कंपनियां हमारे देश पे कब्जा कर रही, जिसको हमारे देश की नरेंद्र मोदी की सरकार बीजेपी आरएसएस अंधे रूप में हमारे देश पर देशी विदेशी पूंजीपतियों का कब्जा कराने में लगे हुए। तो ये गलत नीति है। एक बार हम गुलाम हो चुके हैं मगर हमारे देश को दोबारा इसी तरीके से गुलाम बनाने की कोशिशें और साजिशें अभी हमारे देश के ऊपर चल रही है, जिसमें बड़ी संख्या में देशी विदेशी पूंजीपतियों ने हमारे देश के आर्थिक संसाधनों पर कब्जा कर लिया है। ये हमको ध्यान रखना है, पिछले संदर्भ को समझना है और आज के संदर्भ को भी हमको समझना है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है जिसको याद रखने की ज़रूरत है
इसलिए हमें कहते हैं कि जो ये आर्थिक नीतियां हैं ये हमारे देश के हित में नहीं है। उसके बाद से अंग्रेजों की नीति ये थी कि ब्रिटेन में जो छोटे उद्योग बंद हो रहे थे उनकी जगह पे वहाँ पे बड़े उद्योग लग रहे थे, बड़े बड़े उद्योग लगा रहे थे। और भारत देश के अंदर उनकी नीति ये थी कि जो छोटे उद्योग बंद हो रहे हैं उनके बदले में नया कोई उद्योग नहीं लगाना, जिससे हमारे यहाँ का लघु उद्योग जो था वो पूरी तरीके से नष्ट हो गया। अब एक चीज़ और थी वहाँ पे कि हमारे देश के जो कपड़े थे ये कपड़े हमारे देश के बहुत ही अच्छे थे और अच्छी क्वालिटी के बनते थे, तो ये कपड़े हमारे ब्रिटेन में जाते थे। ब्रिटेन का इंक्लूड राजा भी भारतीय से भारत से बने कपड़े पहनता था। तो वहाँ के पूंजीपतियों ने कहा कि ये तो गड़बड़ हो रहा है, ये भारत देश से जो कपड़े लेके आ रहे हो वहाँ उद्योग धंधे चल रहे हैं और हमारा उद्योग धंधे पट रहे हैं। इसलिए उन्होंने ब्रिटिश सरकार से मांग की कि भारत देश से जो कपड़े का या बाकी चीज़ों का हम आयात कर रहे हैं इसको बंद करो, और ये कपड़े सारे हम लोग जो बना रहे हैं वहाँ से रॉ मटेरियल लाओ, हम लोग जो कपड़े बना रहे हैं इनको भारत देश में बेचो। तो इसी के मांग के तहत अंग्रेजों की ये पॉलिसी थी जो मैं आपको पहले समझा चुका हूँ। और इस नीति को लागू करने के लिए उन्होंने क्या किया, भारत से जो कपड़े जाते थे उसके ऊपर भारी टैक्स लगा दिया, और जो वहाँ से जो कपड़े बनते थे वहाँ उनके जो कंपनियों के कपड़े बनते थे उन पर टैक्स नहीं लगाया। तो भारत देश से जो कपड़े जा रहे थे वो महंगे हो गए बहुत ज़्यादा, और वहाँ जो कपड़े बन रहे थे वो सस्ते हो गए। इस कारण से भारत के जो कपड़ों की मांग ब्रिटेन में घट गई। ब्रिटेन में मांग घटी तो भारत के अंदर जो उद्योग धंधे थे वो बंद होने लगे, वो चौपट हो गए। तो इससे क्या हुआ कि हमारे देश का जो उद्योगों का पतन होना और उसके बाद से ब्रिटेन की कंपनियों का हमारे देश में माल बेचना, ये रास्ता बिल्कुल सुगम हो गया। तो बड़ी संख्या में फिर वहाँ जो सामान पैदा हो रहा था ब्रिटेन में वो हमारे देश के अंदर बेचने के लिए हमारे बाजारों में ब्रिटेन का सामान भरा जा रहा था, और उसके साथ में हमारे देश का जो कच्चा माल है वो कच्चा माल जो है वो ब्रिटेन के लोग ले जा रहे थे। और उसके अंदर भी उन्होंने एक व्यवस्था चलाई जिसका नाम था ददनी प्रथा। ये ददनी प्रथा का अर्थ ये था कि जो भी उत्पादन जो रॉ मटेरियल है जैसे कपास है और भी चीज़ें जो उत्पादन कर रहे थे उनसे एग्रीमेंट, उन कंपनियों से एग्रीमेंट करके पहले से ही एग्रीमेंट कर लेते थे, पैदा होने के पहले ही एग्रीमेंट कर लेते थे जो ब्रिटेन की कंपनियां थीं। तो जो माल यहाँ जो उत्पादन होता था उसको ब्रिटेन की जो कंपनी है वो ले जाती थी। तो भारत देश के अंदर कच्चे माल की भी शॉर्टेज हुई जिसके कारण से उद्योग धंधे बंद हुए। तो दोनों तरीके से अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ी अंग्रेजों ने ब्रिटेन की सरकार ने। अब इससे क्या हुआ साथियों, हमारी शहर की अर्थव्यवस्था और गांव की अर्थव्यवस्था दोनों अर्थव्यवस्था हमारी टूट गई। तो दोनों तरीके से हमारी देश की अर्थव्यवस्था को अंग्रेजों ने बर्बाद किया और यहां से लूटने का काम किया। इस महत्वपूर्ण बात को हमको ध्यान रखने की जरूरत है। इस प्रकार से साथियों जो सिंथेटिक रंग ब्रिटेन में पैदा हो गया था, तो सिंथेटिक रंग और मशीनों से बने कपड़े जो ब्रिटेन में बन रहे थे उसके सामने हमारे जो देश के हाथ के बने कपड़े थे वो नहीं टिक पाए, और इस कारण से हमारी अर्थव्यवस्था खराब हुई। इससे हमारी जो है देश की जो आत्मनिर्भर देश था वो आत्मनिर्भरता खत्म हो गई, वो हम ब्रिटेन के ऊपर आत्मनिर्भर हो गए। हमारे देश के अंदर कोई निकल विकास नहीं हुआ, हमारे देश ने किसी भी तरीके से नई खोजें नए उद्योगीकरण का विकास नहीं हुआ। तो ये पूरी एक चाल थी अंग्रेजों की जिस कारण से हमारे देश को उन्होंने लूटा, हमारे देश को बहुत पीछे धकेल दिया साथियों। इसलिए हमारे देश में उस जब औद्योगिकरण ब्रिटेन में हुआ 1700 से शुरू हुआ था, मगर हमारे देश में आज़ादी तक भी सही तरीके से विकास नहीं हुआ। आज़ादी के बाद ही सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां बनना शुरू हुई 1947 के बाद। तो ये था हमारे देश का जो आर्थिक विकास का स्थिति जिसको हमको ध्यान रखने की आवश्यकता है। तो ये था एक आर्थिक पक्ष जो हमको समझना था अंग्रेजों के समय में, और ख़ास तौर से जो किसानों के ऊपर दमन, किस तरीके से लगान, जो लगान इतनी लगान कुछ ही राजाओं ने लगाई थी। मुझे उम्मीद है कि ये सारी व्यवस्थाओं को समझ के आपको ये समझ में आया होगा कि किस तरीके से अंग्रेजों ने हमारे देश को लूटा साथियों। तो इस वीडियो को अब यहीं ख़त्म करते हैं और उम्मीद करते हैं कि ये बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। साथ में आपसे निवेदन ये है कि यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी भी दबा दें। उसके साथ में आपसे निवेदन है कि जो हमारी प्लेलिस्ट है
उसमें जाकर के दर्शन की सीरीज को जो वीडियो हैं ये सारे इनको जरूर सुने समय निकाल करके। और तीसरा निवेदन ये है कि इन वीडियो को शेयर करवाने में सहयोग करें, क्योंकि मैं अकेला इसको आम जनता में नहीं पहुंचा सकता। आप सभी से अपील है कि इसको आम जनता में, महत्वपूर्ण जानकारी है जिसको आम जनता में पहुंचाने का सहयोग करें। इसी आशा उम्मीद के साथ कि आप सहयोग करेंगे, मैं अपनी बात ख़त्म करता हूं। थैंक यू साथी, धन्यवाद, थैंक्स, मिलते हैं अगले वीडियो।